नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ह्यूंडई की ऑरा के साथ में स्कोडा की नई रैपिड को कंपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम दोनों ही गाड़ियों के केवल 1 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन वेरिएंट को ही कंपेयर करेंगे। मुझे अच्छे से मालूम है दोस्तों कि दोनों ही गाड़ियों का सेगमेंट अलग अलग है, लेकिन जब आप स्कोडा रैपिड की कीमत सुनेंगे तो आपको ये कंपैरिजन डेफिनेटली जायज़ लगेगा, और जब आप स्कोडा रैपिड की खूबियाँ जानेंगे तो फिर आप ह्यूंडई की ऑरा को भूल जाएंगे, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों की प्राइस में लगभग 1,05,000 रुपये का प्राइस गैप है। और रैपिड अपनी कीमत के दम पर ऑरा के साथ साथ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान का जो सेगमेंट है उसमें मारुति की डिज़ायर, होंडा की अमेज, फोर्ड की एस्पायर को भी चुनौती दे रही है। इससे पहले मैं स्कोडा की रैपिड और मारुति की डिज़ायर पर ऑलरेडी एक कंपैरिजन वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद में मुझे यकीन है कि आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि अब तक 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के नाम पर ह्यूंडई हमें लूट रही थी, हमारा पैसा लूट रही थी। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के साथ में मैं अपने पॉइंट्स क्लियर करूंगा और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों का प्राइस गैप भी ज़रूर बताऊंगा, जिसे जानने के बाद आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको ह्यूंडई की ऑरा लेनी चाहिए या फिर स्कोडा की रैपिड लेनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ह्यूंडई की ऑरा बिल्ड क्वालिटी के मामले में रैपिड से बेहतर और सुपीरियर है? क्या आपको लगता है कि इन दोनों गाड़ियों में जो 1,05,000 रुपये का प्राइस गैप है वो आपको स्कोडा की रैपिड लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी सोच में दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है, ऑरा बेहतर है या फिर रैपिड ही सुपीरियर है? दोनों में से कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय का मुझे हमेशा इंतज़ार होता है, उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाइट के मामले में ऑरा रैपिड से लगभग 55 mm बड़ी है, वही रैपिड ऑरा से लेंथ के मामले में 418 mm, विड्थ के मामले में 19 mm और व्हील बेस के मामले में 102 mm बड़ी है। ये तो होना ही था, क्योंकि एक है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान और दूसरी है मिड साइज सेडान, तो व्हील बेस बड़ा होने की वजह से और लंबाई बड़ी होने की वजह से डेफिनेटली ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने ही थे। और पहले ही सेक्शन में रैपिड ऑरा से आगे निकल जाती है, पहली बाजी मार ले जाती है। आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो जहां पर ऑरा में आपको मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि मात्र 100 पीएस की पावर जनरेट करता है 6000 आरपीएम पर और 171 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 1500 से लेकर 4400 आरपीएम पर। वही रैपिड में भी आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 110 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है 5250 आरपीएम पर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 1750 से लेकर 4000 आरपीएम पर। तो इसमें यहाँ पर भी इस सेक्शन में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि रैपिड क्लियर विनर होती है, क्योंकि सेम 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन होने के बावजूद भी ऑरा का इंजन आपको कम पावर प्रोड्यूस करके देता है और कम टॉर्क जनरेट करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है, कब वेट पर एक नज़र डालते हैं, जिसे जानकर हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि दोनों में से किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो ऑरा के वज़न की जहां तक बात है, अभी तक ह्यूंडई ने ऑफिशियली इसे डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अंदाजन यानी कि अप्रोक्सीमेटली ऑरा का वज़न आपको 900 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक मिल सकता है। वहीं रैपिड के वज़न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रैपिड का वज़न 1112 किलोग्राम से लेकर 1138 किलोग्राम तक है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी इस सेक्शन में भी रैपिड काफ़ी आगे निकल जाती है, क्योंकि रैपिड का वज़न ऑरा से लगभग 138 किलोग्राम से लेकर 212 किलोग्राम तक ज़्यादा भारी है, यानी कि
स्कोडा के रैपिड की बिल्ड क्वालिटी ऑरा से कहीं ज़्यादा बेहतर और मजबूत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में और उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो जहां पर ऑरा में आपको अप्रॉक्सीमेटली 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं स्कोडा की रैपिड आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। रैपिड यहाँ पर भी स्लाइटली बेटर साबित होती, लेकिन यहाँ पर मामला लगभग बराबर का है। टर्निंग रेडियस पर जहाँ पर हम गौर करें तो आपको रैपिड में मिलता है 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस, वहीं ऑरा का टर्निंग रेडियस अभी तक ऑफिशियली ह्युंडई ने रिवील नहीं किया है, लेकिन अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली ये 4.5 मीटर से लेकर 5 मीटर तक का हो सकता है। तो इसी की वजह से इस सेक्शन में हम क्लियरली किसी को विनर नहीं बता सकते हैं। आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर ऑरा में आपको मात्र 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वही रैपिड में आपको मिलेगा 55 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि ऑरा से लगभग 18 लीटर ज़्यादा बड़ा है। और हमेशा की तरह जब फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है तो माइलेज की भी बात कर लेते हैं। तो स्कोडा की रैपिड में आपको केवल 19 kmpl का माइलेज ऑफर किया जाता है, वहीं ह्युंडई की ऑरा वजन में हल्की होने की वजह से आपको 20.5 kmpl का माइलेज ऑफर करती है। तो यहाँ पर ऑरा रैपिड से थोड़ा सा बेहतर साबित होती है और इस सेक्शन में क्लियर विनर बन जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो ऑरा में आपको मिलता है 402 लीटर का बूट स्पेस, वहीं रैपिड में आपको मिलेगा 460 लीटर का बूट स्पेस। ऑफकोर्स लेंथ और व्हील बेस बड़ा होने की वजह से ये आपको बड़ा मिलता है और लगभग 58 लीटर का ज़्यादा बूट स्पेस स्कोडा की रैपिड आपको यहाँ पर ऑफर करती है, जिसकी वजह से इस सेक्शन में रैपिड आगे निकल कर विनर हो जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज एंड व्हील्स। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 15 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ऑरा का ये सेकेंड टॉप वेरिएंट है जो आपको अलॉय व्हील्स के साथ में आएगा, वहीं रैपिड में आपको केवल 15 इंचेस के स्टील रिम मिलेंगे अलॉन्ग विथ फुल व्हील कवर्स या व्हील कैप जिसे कहते हैं, उसके साथ में ये आपको आएंगे। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि दोस्तों यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ों में एक्सेप्ट फ्यूल इकोनॉमी जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सभी चीज़ों पर ऑरा बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि इस फाइट में कौन जीतेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर हम आगे मुड़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में, तो उस पर एक नज़र डालेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, दोनों ही गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग के साथ में टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएगा, रियर AC विंड्स आपको मिल जाएंगे, रियर आर्मरेस्ट अलॉन्ग विथ कप होल्डर आपको देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs विथ टर्न इंडिकेटर दोनों गाड़ियाँ आपको ऑफर करेंगी, मिनिमम ड्यूअल एयरबैग्स दोनों गाड़ियों में आपको मिलेंगे, ABS प्लस EBD का फीचर आपको मिल जाएगा और रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। अब आगे मुड़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑरा में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको स्कोडा की रैपिड नहीं दे पाती है। सबसे पहला फीचर है दोस्तों प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बाद में आपको मिलेंगे LED DRLs, उसके बाद में आपको फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोफोल्ड ORVMs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों में 15 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन ह्युंडई की ऑरा में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको इसमें 7 इंच का टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा अलॉन्ग विथ ऑल द नेसेसिटी फीचर्स जैसे कि ऑक्सिन, FM, USB, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड और एप्पल कार की कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जो कि स्कोडा की रैपिड में आपको केवल 2 DIN म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको ऑरा में मिल जाएंगे, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिल जाएगा, वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, डे नाइट IRVM आपको मिल जाएगा, कूल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है ऑरा में, और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर आपको रियर व्यू कैमरा भी मिल जाएगा। ये जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ये है ऑरा का SX वेरिएंट, जो रैपिड से लगभग 1,05,000 रुपये महंगा है, लेकिन जब इन 14 फीचर्स को यानी कि ऑरा में जो मिलते हैं जो रैपिड हमें ऑफर नहीं करती है उनके साथ में 1,05,000 को जब तराजू में तोलता हूँ तो मुझे ये फीचर्स 1,05,000 रुपये एक्स्ट्रा देने जितने बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर आप ऑरा को 7-speed DCT ट्रांसमिशन के साथ में आपको मिलती 6 एयरबैग्स मिल जाते, टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड असिस्ट एंड हिल होल्ड कंट्रोल, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स जैसे कुछ सेफ्टी फीचर्स अगर आपको ये बेहतरीन ऑफर करती तो शायद ये प्राइस गैप जस्टिफाई हो जाता,
ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत है कि आप पैसा भी ज़्यादा ले रहे हैं और फीचर्स भी नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से मैंने कहा था शुरुआत में कि Hyundai इंडियन कस्टमर्स को ग्रांटेड कंसिडर करके सिर्फ पैसे लूटने के चक्कर में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं रैपिड में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको Hyundai की ऑरा में देखने को नहीं मिलेंगे। बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी रैपिड में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। स्टेनलेस स्टील की स्कफ प्लेट्स आपको मिल जाएगी जिस पर रैपिड का लोगो यानी कि रैपिड लिखा हुआ मिलेगा। ड्यूअल टोन बेहतर इंटीरियर्स मिलेंगे। प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स विद फिट एंड फिनिश बेस्ट मिलेगी आपको। डस्ट एंड पोलर फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे। फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगा। कप होल्डर्स इसमें मिल जाएंगे। डेड पेडल फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा और एक बेहतर ही सुपीरियर और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको स्कोडा की रैपिड में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले वारंटी ऑफर्स के बारे में। तो ऑरा में आपको मिलता है 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर, 4 साल या फिर 50,000 किलोमीटर या फिर 5 साल के साथ में 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी के 3 अलग अलग ऑप्शंस। साथ ही साथ आपको 3 साल तक अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी का रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है। वहीं रैपिड के वारंटी ऑफर की अगर हम बात करें तो मुझे ये थोड़ा सा बेहतर लगता है क्योंकि इसमें आपको मिलता है 4 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी। उसी के साथ साथ आपको 4 साल तक अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है और 4 साल या फिर 60,000 किलोमीटर तक आपको 4 सर्विसिंग फ्री मिल जाती है जिसका सर्विस इंटरवल या तो 15,000 किलोमीटर या फिर 1 साल, दोनों में से जो भी पहले आता है इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से स्कोडा की रैपिड का वारंटी ऑफर ज़्यादा बेहतर लगता है। रैपिड इस सेक्शन में भी जीत जाती है। आगे मुड़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइस पॉइंट की जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। उससे पहले यहाँ पर मैं एक बात आपके लिए क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी की सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट है और गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ऑरा की प्राइसिंग। ऑरा का 1 लीटर GDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का SX+ वेरियंट एक शोरूम कॉस्ट मैनुअल में मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 8,54,000 रुपीज़ तक का, जो कि स्कोडा रैपिड से 1,05,000 रुपये महंगा है। वहीं रैपिड का पेट्रोल बेस वेरिएंट जिसका नाम है राइडर मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको मिलेगा मात्र 7,49,000 रुपीज़ तक का, जो कि ऑरा से 1,05,000 रुपये सस्ता है। ये जो 1,05,000 रुपये की एडिशनल कॉस्ट आप Hyundai को पे कर रहे हैं उसमें ना तो आपको कोई टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, ना ही कोई बेहतरीन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिलते हैं, ना ही आपको स्कोडा रैपिड से बेहतर बिल्ड क्वालिटी ये देती है, क्योंकि अपना पैसा मुझे ऐसे लगता है कि पैन शुद्ध बर्बाद हो गया Hyundai की ऑरा पर। स्कोडा की रैपिड यहाँ पर भी जीत जाती है दोस्तों, डेफिनेटली क्लियर विनर साबित होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर स्कोडा की रैपिड जीत जाती है, वो क्लियर विनर है जो हमें एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी, बेटर प्राइस पॉइंट, बेटर सेफ्टी, बेटर स्पेस, बेटर बूट स्पेस कम्फर्ट, बेटर इंजन पावर आउटपुट एंड परफॉर्मेंस ऑफर करती है, बेटर फिट एंड फिनिश, बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर वारंटी ऑफर के साथ में आती है। वहीं ऑरा में आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो मैं अपने लिए स्कोडा की रैपिड लेना पसंद करूंगा। आप अपने लिए क्या लेना चाहते हैं ये आपको तय करना है। आप रैपिड लेना चाहते हैं या फिर ऑरा, आपने क्या चुना, स्कोडा की रैपिड या ऑरा, ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि आज की इस फाइट में दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी जीती, इसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। मुझे दोनों चीज़ों के लिए आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।